नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। सड़कों के किनारे लगाए गए भगवा ध्वज, राम नवमी को लेकर खूब तैयारियां हो रही हैं। लोगों द्वारा सड़कों के किनारे भगवा ध्वज लगाए जा रहे हैं। सोमवार की देर शाम नगर के स्टेशन रोड पर भगवा झंडा लगाकर नगर को सजाया जा रहा था। राम नवमी के दिन शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस अवसर पर विनय पांडे, मुन्ना चौरसिया, सचिन जायसवाल, सुरेश यादव करिया व मनीष जायसवाल आदि स्टेशन रोड पर भगवा ध्वज लगाने में लगे रहे, जहां पर समाज सेवी पारसनाथ यादव ने कहा कि इस समय वास्तविक नवरात्र चल रहा है, जिसमें हिंदू भाइयों व बहनों द्वारा व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में नवरात्र को काफी पवित्र माना जाता है। वहीं रमजान का भी महीना चल रहा है। यह महीना मुस्लिम भाइयों के लिए काफी पाक माना जाता है। मुस्लिम भाई बहन व बच्चे काफी उत्साह के साथ रोजे रखते हैं। उन्होंने कहा कि राम नवमी के दिन नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस बार भी भव्यता के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। श्री पांडे ने कहा कि हिंदू मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि वह अपने अपने धार्मिक आयोजनों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराएं। उन्होंने कहा कि हम ईश्वर से कामना करते हैं कि भदोही में हिंदू मुस्लिम के बीच जो आपसी भाईचारा संबंध बना है, वह हमेशा इसी तरह से कायम रहे। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज, ओबिदुल्ला असरी की रिपोर्ट। सबसे पहले आपका चैनल में स्वागत करेंगे आपका। और दूसरी चीज, रामनवमी के त्यौहार चल रहा है, सामने रमजान भी है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये माता जी का 9 दिन का व्रत का त्यौहार है हिंदू भाइयों का, और इस समय रमजान भी है हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए। जो ये रमजान का महीना है वो भी पाक है, पाक महीना है, जिसमें लोग रोजा रह के प्रभु की कृपा, प्रभु के लिए, अल्लाह के लिए अपनी दुआ करते हैं। और हम लोग माता जी की लिए उपवास रख के माता जी का हम लोग ध्यान लगाते हैं। तो दोनों का उद्देश्य केवल प्रभु के लिए है, तो इसलिए ये सबसे सुंदर अवसर है। और मैं सभी भदोही वासियों से निवेदन करूँगा कि इस त्यौहार को सम्मानपूर्वक अच्छे से मिलजुल कर मनाएं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल स्टार 7 टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें।